हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक काफ़ी शानदार पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस इसको बनाना बहुत ही आसान है और सबसे आसान बात है कि आप इसको घर के ही चीज़ों से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी को बनाने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड एक प्यारा से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्पीकर ले लिया हूँ। ये जो है 4 ओम का स्पीकर है, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या फिर ऑनलाइन शॉप पे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल ले लिया है, ये भी आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा और सस्ते दाम में। इसके जगह आप 5803 और ब्लूटूथ मॉड्यूल दोनों को कंबाइन करके लगा सकते हैं, बट इन दोनों का प्राइस इसके बराबर के बराबर ही है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक TP4056 ले लिया हूँ अपने जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए। एक स्विच मैंने लिया है जो कि ऑन ऑफ के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं एक बैटरी यूज़ करने वाला हूँ 400 mAh का, और ये जो बैटरी है ब्लूटूथ की बैटरी है, बट इसमें काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग का जो बैकअप है वो दे देगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने एक PVC पाइप के सीट को कट करके एक शानदार बॉक्स बना लिया है, और इस बॉक्स को बनाने के बाद मैंने इसमें कटिंग कर लिया है अपने स्विच को लगाने के लिए और जो हम लोग का स्पीकर है उसको लगाने के लिए। अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं शॉर्ट में इसको आपको बना के दिखा दिया हूँ। अब जो हम लोग का स्पीकर है, इस स्पीकर को हम लोग को इसके बीच में यहाँ पे सेट करना है कुछ इस प्रकार से। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप एमसील का या फिर एरल लाइट का यूज़ कर सकते हैं, उसे भी काफ़ी मस्त तरीके से चिपक जाएगा, वो भी 5-10 रुपये का इजीली अवेलेबल होता है किसी भी मार्केट में। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको जो है चिपका दिया है। अब जो हम लोग का बैटरी है उसको मॉड्यूल के साथ कनेक्शन करेंगे, तो बैटरी का माइनस वाला वायर जो है बैटरी के -B में एंड जो प्लस वाला वायर है बैटरी के B+ में। उसके बाद आउटपुट जो है उसको भी हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, और जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा वो सीधा हम लोग के एम्पलीफायर मॉड्यूल के सर्किट बोर्ड में कनेक्ट होगा। कनेक्शन जो है काफ़ी ईजी है, और जितने भी हम लोग के मॉड्यूल हैं सभी पे जो है लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे इसकी है, सभी पे लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ के भी कनेक्शन कर सकते हैं, जितने भी बैटरी के वायर जहाँ कनेक्ट करने हैं, जहाँ स्पीकर के वायर कनेक्ट करने हैं। अब गए जो है हम लोग का स्विच है, इस स्विच की जगह जो हमने बड़ा वाला स्विच लिया है ए वाला स्विच लगाएंगे, तो उसके लिए मैं यहीं से डायरेक्ट कनेक्शन कर दूंगा इस स्विच से अपने जो स्विच हमने लिया है अलग से उसका। आप डायरेक्टली इसका ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट वो स्विच रहेगा तो काफ़ी मस्त रहेगा। एंड इस जो हम लोग का एम्पलीफायर मॉड्यूल है इसमें काफ़ी अधिक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें मतलब जैसे कि आप सॉन्ग को कम बेसी कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम लो अप एंड लो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं एंड पेन ड्राइव लगा सकते हैं। बट क्या है कि मैं डायरेक्टली इसको बना रहा हूँ। और जो हम लोग का TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, इसको मैं अपने डबल साइड टेप से यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ जहाँ मैंने कटिंग किया है अपना उसको लगाने के लिए। एंड जो स्पीकर का वायर है उसको भी मैं मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सभी लिखा हुआ है, स्पीकर का वायर कनेक्ट करने के लिए भी लिखा गया है स्पीकर प्लस एंड एक प्लस में 1 एंड एक में 2 लिखा हुआ है। स्पीकर में कोई प्लस और माइनस नहीं होता है, इसलिए स्पीकर 1 एंड 2 करके लिखा होगा। उसके बाद जो हम लोग का मॉड्यूल है इसको हम लोग इसके ऊपर चिपका देते हैं, काफ़ी अच्छी तरह जो मॉड्यूल हम लोग का इस पर चिपक जाएगा। एंड उसके बाद जो बैटरी है, स्विच है, इन सबको हमको इसी में चिपका देना है। और मैं यहाँ सब चीज़ को चिपकाने के लिए हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। आप सभी चीज़ को चिपकाने के लिए यहाँ पे एरल लाइट का या फिर जो MCL आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। सुपर ग्लू का अगर यूज़ करते हैं आप कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर स्विच पर यूज़ करेंगे तो जो स्विच है वो जाम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ढक्कन है पीछे का उसको मैंने कट कर लिया है, एंड यहाँ पे ढक्कन में मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है ताकि जो मॉड्यूल के अंदर जो बल्ब लगी हुई है वो बल्ब यहाँ से दिखे। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग का ग्लू गन है उससे हम लोग इस होल में ग्लू को भर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हम लोग का इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाएगा और पैक हो जाएगा, और अंदर की जो लाइट जलेगी इसके अंदर वो इसमें से इजीली दिखेगा। तो यहाँ पे जो है सूख चुका है और देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैक कर देंगे। उससे पहले हम लोग को एक पेन ले लेना है, जो हम लोग इजीली हम लोग जो लिखते हैं उसी का कोई भी पेन ले लेना है आपका, जरूरी नहीं है कि कोई सा भी मोटा पतला रहे उसे नहीं मतलब है। या फिर आप एक पाइप ही ले सकते हैं जो कि पतला रहना चाहिए, कुछ इतना पतला जितना मैं लिया हूँ आप देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक होल करके ऊपर साइड में इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग के अंदर का जो बेस है वो बाहर निकलेगा, एंड जो हम लोग इसकी जगह कोई और सभी कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू इसलिए लगा रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करें। आप बिना कुछ भी लगाए इसको रहने दे सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव के लिए यहाँ पे लगा दिया हूँ। उसके बाद जो हम लोग का पीछे का ढक्कन है इसको भी हम लोग इसी पे लगा के अच्छी तरह से पैक कर देंगे और सुपर ग्लू से अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब जितने भी साइड है उसको एकदम पूरी तरह से कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बन के रेडी हो चुका है और देखने में काफी सुंदर लग रहा है। अब गाइस इसके मैं चार्जिंग टेस्ट आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे हम लोग इसमें अंदर जो पिन है उसको इन करते हैं, तो पीछे साइड्स में यहाँ पे देख सकते हो रेड जो है बल्ब जल रहा है। जैसे ही हम लोग का जो बैटरी है चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर ब्लू बल्ब जल जाएगा।
और गाइस अब इसको हम ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो है बजता है। यहाँ पे जो है पीछे के साइड में देख सकते हो जो हमने ग्लू लगाया है उसमें से जो एलईडी वो दिख रही है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का स्पीकर बना हुआ है इसके अंदर काफी अधिक लाउड है। मैं यहाँ पे कोई माइक वगैरह नहीं लगाया हूँ, तो इसलिए जो कैप्चर किया हम लोग का मोबाइल थोड़ा लो किया है, फिर भी आपको सुन सकते हो कि इसका जो साउंड है काफी मस्त है। एंड इसके अंदर जो बेस है वो भी बहुत मस्त है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल में आपको इसका साउंड सुनाता हूँ किस प्रकार से बज रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपने इसका साउंड सुन लिया है, तो आप नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।